मुझे बहुत ही दुख हुआ और बहुत अंतर मन से पीड़ा हुई कि इतनी दूर आकर के आप ईमानदारी से मेहनत करके व्यापार कर रहे थे और आपके व्यापार में इस प्रकार से सेंधमारी, चोरी, डकैती बहुत ही दिल को पीड़ा देने वाला प्रसंग था। मैं बहुत विचलित हुआ के साथ में क्या व्यवहार हुआ है और इस दुखद घड़ी में मैं बिल्कुल आपके साथ में हूँ और केंद्र तक का जो विषय है मैं आज ही बात करूँगा और आपको जितना बनेगा पूरा सहयोग कराऊँगा। स्थानीय यहाँ के स्थानीय जितने भी बीजेपी के जो भी पदाधिकारी हैं उनसे भी मैं बात करूँगा और तुरंत कार्रवाई के लिए उनको निवेदन भी करूँगा और आग्रह, विशेष आग्रह भी करूँगा। पर इतना है कि आप लोगों का जो संगठन है, जो शक्ति है, आप अपनी शक्ति को बढ़ाओ। एक मार्केट नहीं, सभी मार्केट जितने भी सूरत के सब एक सूत्र हो जाओ। ना कोई जाति, व्यापारी में कोई जाति नहीं होती है और कोई क्षेत्र भी नहीं होता। व्यापार है तो व्यापारी सभी एक जाति के हो जाते हैं। व्यापारी जाति हो गई आप सबकी। तो आप सब लोग ऐसा परिचय दो कि व्यापारी व्यापारी भाई भी है आपस में और एक दूसरे को सहयोग करो। निश्चय ही अपना ये जो भी इतना बड़ा कांड हुआ इसका पर्दाफाश होगा। हम भी आपको साथ देंगे, आप हिम्मत रखना और अपन लोग मिलकर के इसको उजागर कराएंगे। मैं पुनः आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि मैं आज ही बात करता हूँ केंद्र से और यहाँ के स्थानीय जो नेता है उनसे भी संपर्क करूँगा। आप निश्चिंत रहें, परंतु तो आप हिम्मत रखना और हम सबको जीतना है। हम सबको इस क्षेत्र में इस बात को छोड़ना नहीं है। आप भी डटे रहना, जब तक डटे नहीं रहोगे तब तक कोई सफलता नहीं मिलेगी। और योजना अच्छी बनाओ, जो आपके बुद्धिमान लोग हैं उन लोगों को इसकी योजना अच्छी बनानी चाहिए कि हमें सफलता कैसे प्राप्त करनी है और तह तक कैसे जाना है। आपने, राजू जी ने और सभी ने जो इसको खोला है उनको भी जोरदार मैं हार्दिक स्वागत और उनका अभिनंदन करता हूँ कि आप लोगों ने हिम्मत करी और बहुत बड़ा एक रहस्य खोल करके सामने लाए। हमारे व्यापारी तो बहुत विश्वासी व्यापारी थे, वो तो अपने विश्वास पर व्यापार कर रहे थे और उनके साथ विश्वासघात करने वाले लोग थे। विश्वासघातियों को पूरी सजा मिले, ऐसी मैं इनसे विनम्र अपील भी करता हूँ। आप लगे रहना, हम आपके साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।